बिलासपुर की नौशीन चिश्ती ने अपनी बुलंद हौसला और अपने माता पिता के सहयोग से पूरे हिमाचल में जिला का नाम रोशन किया है। नौशीन ने हाल ही में मिस क्वीन ऑफ हिमाचल का खिताब अपने नाम किया है। कुल्लू में अलायंस अकादमी द्वारा आयोजित मिस क्वीन ऑफ हिमाचल प्रतियोगिता में नौशीन ने ये ताज जीता है। इससे पहले नौशीन 2018 में मिस बिलासपुर और मिस हिमाचल का ताज भी जीत चुकी है। नौशीन चिश्ती ने बताया कि उन्हें मिस इंडिया यूनिवर्सल हिमाचल के खिताब से भी नवाजा गया है। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से करीब 32 प्रतिभागियों ने अपना हुनर दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके माता पिता का भरपूर सहयोग इसमें मिल रहा है। उनका परिवार उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफी प्रोत्साहित करता रहा है। हेलो, मैं नौशीन हूँ, मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ और आज मैं मिस क्वीन ऑफ हिमाचल की विनर हूँ, जिसके लिए मैंने ऑडिशंस दिए थे, ऑनलाइन ऑडिशंस हुए थे। ऑडिशंस वैसे लाइव मंडी में, शिमला में, कुल्लू में, सुंदरनगर में भी इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसको अलायंस एकेडमी कुल्लू की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस सरिता शर्मा जी ने ऑर्गेनाइज किया है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का इवेंट था, जिसमें हम गर्ल्स को मोटिवेशन भी मिला और हम लोग आगे आए, अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया सभी गर्ल्स ने। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे और टॉप 10 में भी सेमीफाइनल्स के बाद टॉप 10 सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद फाइनल्स में मैं विनर रही और मुझे बेहद खुशी हो रही है और बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ मैं कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। आगे के लिए मुझे अगर ये चांस मिले कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूँ और नेशनल तक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने इससे पहले मिस बिलासपुर जो मीडिया विज़न से जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, मीडिया विज़न ने, मैं उसमें पार्ट ले चुकी हूँ और मैं उसमें भी विनर रही। और फिर मीडिया विज़न का ही हमीरपुर में मिस हिमाचल हुआ था, फिर मैंने उसको जीता और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की और बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे ला रही हूँ। अच्छा, यूवर गर्ल्स के लिए आपका क्या कहना है? यंग गर्ल्स के लिए मेरा ये कहना है कि आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स जो है कि इंटरेस्टेड हैं और मतलब वो चाहते हैं कि वो कुछ इस क्षेत्र में आगे बढ़ें या करें, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी उनका इंटरेस्ट है वो करें, वो आगे आएं और एक दूसरे को भी मोटिवेट करें, क्योंकि गर्ल्स गर्ल्स को मोटिवेट करेंगी तो ही हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे। और स्पेशली उनकी मदर्स उनको सपोर्ट करें, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करें, उन्हें समझें और उनकी हेल्प करें। जिस तरह आपके हौसले की बुलंदियों की बात की जाए, एक लड़की को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपका श्रेय किस और जाता है और किसी आप तो इसका श्रेय देना चाहते हो? स्पेशली ये क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, दैट वो एक मतलब बैकबोन की तरह मेरे साथ हमेशा मुझे सपोर्ट किया जिन्होंने। मेरी मदर ने मुझे बेहद सपोर्ट किया, मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन हाँ, मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इवन शी इज़ द वन हु मोटिवेटेड माई फादर टू, मतलब उन्होंने भी फादर को भी बहुत मोटिवेट किया कि नो, इफ़ शी वॉन्ट टू डू दिस सो लेट हर डू दिस, उसका इंटरेस्ट है तो उसे करने दिया जाए। और मेरे फादर ने भी उस चीज़ के लिए अग्री किया, मेरे ब्रदर ने मुझे मोटिवेट किया एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरी बहुत अच्छी फैमिली है जो कि मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और मुझे पुशअप कर रहे हैं। उससे मुझे काफ़ी अच्छा फील और पॉजिटिव फील होता है। अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ, इवन और गर्ल्स भी, अगर उनको सपोर्ट है तो आई थिंक एवरी वन कैन अचीव एनी थिंग वट एवर दे वॉन्ट।